प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी युग पुरुष मोदी पुस्तक का विमोचन हुआ। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर के हिंदी साहित्य भवन में पुस्तक का विमोचन किया। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा ने इंदौर के हिंदी साहित्य भवन में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक युग पुरुष मोदी का लोकार्पण किया। कई गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में पुस्तक विमोचन हुआ। इस दौरान पुस्तक के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार रमन रावल ने पुस्तक के मुख्य अंश पर प्रकाश डाला, साथ ही पीएम मोदी के बड़प्पन का किस्सा भी सुनाया। हमारी अपनी संस्कृति में संत का होना जरूरी है। एक वो संत जिनके लिए पुस्तक लिख रहे हैं, और एक हमारे संत हमारे इंदौर की विरासत के गौरव स्वामी जी के चरणों में मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इंदौर की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी महाकाल के बेटे की बात आपने सुनी, हम सबको एकत्रित करने वाले एक यशस्वी लेखक रमन जी, इंदौर का चिंतन, इंदौर का विचार, इंदौर को नई गति देने वाले, इंदौर का मान, इंदौर का सम्मान, इंदौर का विश्वास, मैं आप सबको नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। इस दौरान राजा शर्मा ने रमन रावल को पुस्तक लिखने पर बधाई दी। वहीं कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनाने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। यह पुस्तक आम लोगों तक पीएम मोदी की सोच और विचार को पहुँचाने में अहम भूमिका निभाएगी। संकल्पनीय है उस व्यक्ति के भीतर के जो गुण हैं, वो व्यक्तित्व जो है, देखिए देश चलाना, परिवार चलाना आजकल बड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे में एक व्यक्ति आता है और बरसों बरस से जो एक पार्टी राजनीतिक दल का एक परिवार का शासन देश में चला आ रहा था, उसको हटाकर अपनी सरकार को बनाना और वो सरकार बनाना जिसके कुछ जीवन मूल्य है, जिसके कुछ आदर्श हैं, जिसकी कुछ मान्यताएँ हैं, जिसके विकास की कोई परिकल्पना है, इस तरह का नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी के अंदर था। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस समय भारत की ओर देख रही है, तो उसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में वो चुंबकीय जादू है। और किसी के प्रति अगर लोग या दुनिया आकर्षित होती है तो बिना किसी वजह के नहीं होती है। तो इन सारी वजहों से मुझे भी लगा कि मोदी जी के बारे में लिखा जाना चाहिए। तो मेरा अपना राजनीतिक विश्लेषण रहता है, उन्हीं का संकलन में अलग अलग प्रकाशनों में जो लेख लिखता हूँ उनका संकलन मेरी तीनों किताबों में भी हुआ। इस बार भी वही संकलन है, 2019 से 2024 तक जो मैंने आलेख लिखे हैं उन आलेखों का संकलन है, और वो ज़्यादातर मोदी जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित है, मोदी जी के कार्यों पर केंद्रित है, उनकी सोच पर केंद्रित है, उनके इरादों पर केंद्रित है, देश और दुनिया को जो एक विज़न उन्होंने दिया है उस पर केंद्रित है ये किताब। हैट्रिक तो बन चुकी है आपके आगे। देखो इस बारे में ऐसे कोई आज से तय करके नहीं हो सकता, लेख लिखना मेरा जो है धर्म है, कर्म है, वो मैं करता रहता हूँ, और फिर जब ऐसा मौका आता है तो उसके बाद में फिर उसको संकलन रूप में प्रकाशित कर देता हूँ। इस पुस्तक को लेखक रमन रावल ने लिखा है। इससे पहले भी रमन रावल मोदी युग और युग युग मोदी पुस्तक लिख चुके हैं। इन दोनों पुस्तकों को मिली लोकप्रियता के बाद युग पुरुष मोदी पुस्तक का पाठकों को बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।